भाई अम्बेडकर से उन्होंने कहा था कि रमा भाई अम्बेडकर मैं विदेश पढ़ने जा रहा हूँ लेकिन आपके पास की कुछ छोड़ करके नहीं जा रहा, आपको कुछ दे के नहीं जा रहा हूँ कि मेरे पीठ पीछे आपका भरण पोषण होगा। जब रमा भाई अम्बेडकर ने कहा कि आप तो निश्चिंत होकर के विदेश में शिक्षा प्राप्त करने जाओ परिवार को मैं संभालूंगी, रमा भाई अम्बेडकर गोबर इकट्ठा करके कंडे रुपले बना करके बेचने का काम करती थी, उससे जो पैसा आता था उससे परिवार भी चलाती थी, थोड़ी बहुत पैसा भी इकट्ठा करने का काम करती थी। अर्थात मेरे कहने का आशय क्या है, इस बात को बताने के पीछे उद्देश्य क्या है, उद्देश्य ये है कि हमें कभी भी फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, हमें निराश नहीं होना है, हमें हताश नहीं होना है, क्योंकि आज हमारी जो इस लायक औकात बनी है, उमाकांत बंदेवर की बोलने लायक औकात बनी है, आप लोगों की कुर्सी में बैठने लायक औकात जो बनी है, हमारे बदन पर जो अच्छे कपड़े हैं, आज हमारे लोग बंगलों में रहते हैं, इसके पीछे इन महापुरुषों की इतनी बड़ी कुर्बानी है, वो कुर्बानी की भरपाई हम लोग कभी भी नहीं कर सकते, इतना बड़ा त्याग उन्होंने।